गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 9 बजे हैं। अभी अभी उठाया था। देख सकते हैं ये मॉर्निंग का कुछ व्यू। अभी बालकनी पे मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ बाहर का। देख सकते हो यहाँ पे ख्वाजा की दिवाली मना रहे हैं कुछ लोग, नीचे देख सकते हैं और कवाली गाते हैं और फिर वहाँ से कहते हैं चंदा मांगते हैं। ये कुछ हम हैं थर्ड फ्लोर पर और देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, पब्लिक निकल चुके सड़कों पर, देख सकते हो भाई। और नीचे कवाली बजाई जा रही है यहाँ पे सब ख्वाजा के, वो है ना क्या कहते हैं फॉलोअर्स बैठ हुआ है यहाँ पे अभी से लोग यहाँ पे। और तुम्हारा भाई ये देखते हैं, अभी थोड़ा सा क्रैश हो जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं पानी पहले तो ख्वाजा के पास। भाई देख सकते हो ये सबसे बड़ी चप्पल चलाई जा रही है यहाँ पे, अगर ये भी वहाँ यहाँ पर ठीक है ना। और भाई कुछ ऐसा इंटरेंस रहता है इसका वहाँ भाई। ये है बहुत बड़ी देख जिसमें खाना बनता है, ये इसे देखते हैं क्या बन रहा है अभी फिलहाल इसमें। भाई ये वो जो देख है जो हमें यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रीलें दिखाई जाती है, इसमें खाना बनता है, ये कुछ ऐसा सीन रहता है। भाई इसमें पड़े हैं कुछ पैसे, चावल आटा गेहूँ गोला खजूर मीठी और पूरे के पूरे कट्टे डाल लगे हैं। और इसमें एक मधुमक्खी भी है। हाँ मधुमक्खी भी है इसमें। अरे देखते हैं क्या क्या है भाई। ये वाली भाई थोड़ी बड़ी लग रही है, बड़ी है भाई थोड़ी। इसमें भी नोट पड़े हैं, गोला शक्कर आटा गेहूँ चावल के पैसे बहुत सारे पड़े हैं भाई। मेरे पास जो भाई है 10 का नोट है, तुम्हारा भाई भी है, मैं डालूंगा। मन्नत मान ली, मांग ली थी तूने, कुछ मांगा था कुछ? भाई एक उस साइड देख रहती है, कोई उस साइड रहती है, दोनों साइड देख रहती हैं, बीच में लोग बैठे हैं, वो वजू खाना है और फिर एंट्री इधर से होती है आगे जाने के लिए। लेकिन आगे है तो आगे जाने के लिए रास्ता इधर से। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भाई ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक कब्र है अजमेर शरीफ में, ये तुर्की से आए थे या इसराइल से आए थे 11वीं शताब्दी में। सरस्वती भाई अभी का क्या सीन है, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन रहता है और कैसा दिखाई देता है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और अंदर
का जो ये एंट्रेंस का डेकोर है ना, वो मैं भाई आपको बता दूँ बहुत ही ओसम है। अंदर यार ये चीज़ आपको दिखाई देती है, उसके बाद एक नजरा कर लीजिए डेकोर करा गया है। आगे तक लाइन जा रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं चलाने के लिए, जरूरी तो है ना चलाना, जरूरी तो होता है थोड़ा बात कर। और पूरा 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं लाइन के मिडल में, देखते हैं अंदर का सीन क्या है। भाई अफसोस तो बहुत हो रहा है, अभी हमें वहाँ से हटा दिया है, बोले सर तो रुमाल बांध का बंद करें, तुम नहीं होगी और वीडियोग्राफी बंद करो, कोई नहीं चलो आगे चल के देखो। हर तरफ फूल ही फूल हैं, दुकानें सजी हुई हैं, लोगों ने अपना वो बिजनेस खोल रखा है, फूल खरीदो, चादर खरीदो, झाड़ू खरीदो, पता नहीं क्या क्या खरीदो, सब कुछ खरीदने पे लगे पड़े। इतनी बड़ी चादर का दोस्तों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, ये ईरान से आए थे, मैं आपको बताना भूल गया कि इनका जन्म जो 1100-1200 के बीच में हुआ था ईरान में, फिर ये दिल्ली आए थे जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा था दोस्तों अपने, उसके बाद ये अजमेर आ गए थे और यहीं पे अपना बसेरा कर लिया था दोस्तों इन्होंने, और ये फॉलोअर्स इनके यहाँ पर बढ़ने लगे थे। उसके बाद जो दोस्तों अकबर बादशाह है ना, वो इनके दर पर आया था अपने बेटे की मन्नत मांगने के, उनके बेटा पैदा हो जाए, और फिर उनके उन्हें अकबर को बेटा मिला था, यानी जहांगीर मिला था जब जाके वो पैदा हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो अपने उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, और फिर नमाज़ पढ़ते पढ़ते उन्होंने वहीं अल्लाह को प्यार हुआ था। उसके बाद उनके फॉलोअर्स ने ना उनकी वहीं पर कब्रगाह बना दी, उनका वहीं मज़ार बना दिया, और आज भी देखो कितने लाखों की संख्या में लोग आते हैं डेली बेस पर, उन्हें चंदा चढ़ाते हैं, खाने पीने की चीज़ें चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं। तो यही सीन है दोस्तों यहाँ का, अभी फ़िलहाल चलते हैं भाई, और सामने वो पहाड़ी है और वहाँ पर अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर हमने दरगाह का तयाफ करते हैं ना, वो लगा लिया बस, वो सामने बना देता है, अभी चलते हैं। लाया वो वहाँ उस पहाड़ी पे, अभी हम तो यहाँ पे नीचे हैं, और ये बोल रहे हैं कि 150 रुपये पर पर्सन लगेगा, और ये ऐसे रहने चलते हैं भाई 150 रुपये पर पर्सन में। 300 रुपये में कहाँ छोड़ते हो भाई तुम, ऊपर तारागढ़ लेके आएंगे, तारागढ़ बिल्कुल ऊपर किले पे छोड़ दो, या आने जाने के भाई 150 लेते हैं पर पौध में भी। अब ये है भाई वैन, देखते हैं इसमें एडजस्ट हो पाते हैं नहीं हो पाते। चलो भाई, इसमें तो टांगे भी नहीं आ रही हैं मेरी, निकालो अपनी टांगे, बंद कर लो। ये सीन है भाई, छोटा सा गेट है, चलते हैं। जैसा यहाँ का व्यू है, तंगजियों के होते हुए ये अजमेर शरीफ की जा रही है ऊपर पहाड़ी पे तारागढ़, आइए चलते हैं।
तारागढ़ की पहाड़ी देख सकते हैं, अभी पहुँचे हैं, थोड़ा चलना पड़ेगा वॉकिंग डिस्टेंस पर। इस वक्त तो भाई तारागढ़ के एक ये मजार है हजरत सैयद मीरन हुसैन का, ये जो है वो मजार है, ये मकबरा भी है, मजार भी दोनों चीज़ें कहती हैं ना। और यहाँ पर अभी आए हैं फिलहाल और बैठे हैं कोने में, और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना वो भाई साहब बेहतरीन है। मेरे साथ में छोटे लाले देख सकते हो जो, और बढ़िया चीज़ है भाई, अलग अलग हवा वो हवाएँ चल रही हैं। और सामने वजू खाना है, वजू बना के देखो निकलते हैं तारागढ़ किले के लिए चलते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी खूबसूरतियाँ कि यह सामने मस्जिद है और यहाँ पे लोग सामान बेच रहे हैं, ये धागे हैं जो मन्नत के लिए मांगे जाते हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे मजार काफ़ी बना चुके हैं, तो फूल ले सकते हैं और रुमाल टोपी लगाऊंगा, रुमाल टोपी बनना पड़ेगा, रुमाल टोपी बांध लेते हैं, चलाओ जरा जाओ। ये पीने का पानी है भाई, काफ़ी सही बना रहता है, अच्छी बात है यहाँ पे, और एकदम काफ़ी अच्छी बात है, एकदम खुला हुआ है। अभी हूँ मैं 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जो कि यहाँ पे तारागढ़ का किला भी है सामने, और तारागढ़ का किला जो है 14वीं शताब्दी में बनाया था, कोई महाराजा थे राजा जयसिंह, राजा हरीश सिंह, उन्होंने बनवाया था शायद, और काफ़ी सही है। अभी अंदर कह रहे हैं या टोपी पहन के आओगे वहाँ पर मिलेगा, आ जा ना अंदर चलते हैं, आ जा सामने वो मज़ा आ रहा है। एंट्री के लिए कह रहे हैं कि टोपी और टोपी पहन के आओ या रुमाल पहन के आओ, रुमाल टोपी कहाँ से दें, देखते हैं कोई सही सा रुमाल मिल जाए तो पूछ लेते हैं। भैया ये रुमाल कितने का है? 20 रुपये का। आ जा 10 वाला रुमाल ठीक है, 20 वाला तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, बजट से बाहर हो जाएगा। अभी का क्या सीन है भाई, सोच रहा हूँ घोड़े पे बैठता हूँ, घोड़े की सवारी भी करनी है, और ये ऊँट है भाई, ऊँट की भी सवारी करनी है, 100 रुपये सवारी और फोटो भी खींचना है, 100 रुपये लेंगे, दरगाह दिख नहीं, वहाँ से घुमा के लाएंगे, वहाँ घोड़ा भगा, वीडियो एक नंबर बनेगी, बैठो आप टाइम नहीं, पहले बच्चे का फोटो खिंचवा दो बाद में मैं बैठूंगा, चल भाई बैठ जा, फोटो मैं खींचूं, हाँ इसका फोटो, 50 रुपये, हाँ 50 रुपये, चल भाई, अरे 50 ही लगेंगे, 50 ही लगेंगे, फोटो निकाल के दूंगा, फिर फोटो निकाल के दे दो तुम, हाँ फोटो भी क्लिक कर देना, घोड़े की सवारी होने वाली है भाई, काफ़ी सब वो सही पैसे दे रहे हैं भाई साहब 100 रुपये में, और ये थोड़ा परेशान हो रहा है, इसकी भी वीडियो बननी चाहिए, कोई नहीं चलो बैठो, क्या भाई घोड़े पर बैठ चुका हूँ, बोल भैया मैंने पाँव डाल दिए, सही से लगाइए पैर, उधर भी लगाइए, और ये अब पेड़ लेते हैं, आप मेरी वीडियो भाई, और ये सही से पेड़ लगा दिए, आप यहाँ रोक के, कितने वाला है नहीं बंदा, ऐसा पकड़ लेते हैं, अब लगाना भाई मेरे हाथ में दे देना, उधर से जाएंगे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, पीछे मत चलियो, बहुत उछलता है घोड़ा, अभी भाई साहब वहाँ से मेरे हाथ में लगाने होंगे, भाई साहब वीडियो बनाएंगे बहुत ही बढ़िया, अंदर साइड हो, रोक ले रोक ले, यहीं रोक ले, यहीं रोक ले भाई, खींच ले मैं लगाऊं, खींच ले भैया, इसे उछालना है एक बार, पहले पैसे दे दिए,
भाई डे सेकंड कुछ इस तरह का, हमने बैक पैक करा है अपना, तैयार हो चुके हैं। अभी दोपहर का वक्त है, 3:30 बजे हैं और कुछ इस तरह का ये होटल थोड़ा गंदा अंदर हुआ पड़ा है और धूप काफ़ी तेज़ है, वहाँ से देख सकते हैं ये। और मार्केट का हाल कुछ इस तरह है भाई, अभी चलते हैं नीचे। हेलो चलते नीचे और कुछ देखते हैं खाना वाने का क्या सीन होता है। भाई फिलहाल है अनासागर लेक में, अनासागर की एंट्री जो देती है भाई वो बहुत ही कुछ ऐसी रहती है, 25 रुपये पर पर्सन का टिकट रहता है ये एंट्री का अनासागर लेक। अनासागर लेक जो थी भाई वो बनाई थी कोई राजा था अना अंजुमन सागर और महाराज ठाकुर पृथ्वीराज कुछ ऐसा था, उसने आसपास के किले बनाए थे छोटे मोटे, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था भाई अनासागर लेक। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, काफ़ी शानदार व्यू है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसा रहता है भाई, वाह क्या सीन है भाई। वहाँ पे शायद बोट चल रही है और हो सकता है तो भाई बोट में भी बैठे हैं। ये चीज़ है भाई देख दो, ये है भाई अनासागर लेक, काफ़ी क्लियर पानी है भाई, वाह। अभी हैं हम अनासागर लेक के, वो डूबता हुआ सूरज मुझे दिखाई दे रहा है और काफ़ी शानदार नज़ारा है और मैं हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह। सब नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है यहाँ का, शाम का वक्त अभी 6:30 का समय है और सूरज जो है वो डूब रहा है और उधर की तो साइड जो है वो बादल छाए हुए हैं, देख सकते हैं काले काले बादल है और सामने का नज़ारा बिल्कुल एकदम क्लियर है। यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो बेशुमार आई है, उधर की साइड शायद थोड़ी बोट भी चल रही है, अगर बोट का हिसाब बनता है तो भाई बोट में भी ज़रूर बैठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, शायद उधर की साइड बोट जा रही है, दैट्स व्हाई हम उधर चलते हैं और बोट में बैठते हैं इन्जॉय करते हैं। अभी फ़िलहाल हैं हम अजमेर के अनासागर लेक में और लेक को हम इन्जॉय करेंगे सबसे फास्ट बोट में, तो आप जुड़े रहें वीडियो के साथ। और कुछ यहाँ पे मकबरे टाइप के बना रखे, वही राजा वाजा ने बैठने की जगह के नहीं बना रखे भाई। फाइनली वहाँ पे बोट्स खड़ी हैं कुछ, वहाँ पर जा रहे हैं फिलहाल और फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे बीच में छोटा सा एक टापू है, देख सकते हैं आप उसे, मेरे कैमरे से आपको नहीं दिखाया था जा रहा होगा लेकिन मैं पास से आके ज़रूर आपको देखूँगा, शायद वो कोई कैफे वैफे बना रखा हो। चल रहा है अभी सामने छोटा सा पहाड़ है वो ये भाई छोटा सा ब्रिज है देख सकते हैं, और उधर की साइड चलना है आराम से चल। सोच रहे हैं भाई फास्ट बोट लें, स्कूटर को 500 रुपये झील का, जो जेट स्की थे उसका 500 रुपये पर पर्सन था, 300 रुपये था मोटर बोट का, वो सॉरी स्पीड बोट का पर पर्सन, और ये 120 रुपये मोटर बोट का पर पर्सन। ये वाला टिकट हमने एंट्री करा दी, 3 बंदों की इसमें एंट्री हुई है, 1 बच्चा 2 बड़े की, और कुछ ऐसा सीन है 1200 का नहीं 300 रुपये का है वो वाला, हाँ 300 तो 600 और इसका 200 600-700 इसमें वाला लिया है ना हमने है, लेकिन वो 5 मिनट का राउंड में काट देती, 5 मिनट में राउंड मार देती है वो वाली, ये 15 से 20 मिनट मारेगी तो वाले ही ले लें हैं हमारे ही। कितने दिए पैसे तुमने? ये 320 रुपये। कितने और जाएंगे हैं? वाली पैदल चल रहे हैं अभी, चलेगी थोड़ी देर में।